नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि चेन स्नेचिंग करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पन्ना पुलिस ने सतना में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 10 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इनके पास से बाइक भी बरामद की गई है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और 1 फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें चेन स्नेचिंग करने वाले शातिर बदमाशों को महज 10 घंटे के अंदर पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पन्ना पुलिस ने इन सभी आरोपियों को सतना से गिरफ्तार किया है। चेन स्नेचर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ, जो बदमाश हैं उन्होंने पन्ना और सतना दोनों जगह इस घटना को अंजाम दिया था और आखिरकार इसका क्रेडिट लेने के लिए आपस में पुलिस भी भिड़ गई है। देखिए, पन्ना पुलिस और सतना पुलिस के बीच में भी काफी कहासुनी हुई है और निश्चित तौर पर जो पन्ना पुलिस है उसने सतना से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो अब क्रेडिट किस दिया जाए, क्योंकि आरोपियों ने चेन स्नेचिंग की दोनों जगह की और लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 1 फरार बताया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पन्ना पुलिस और सतना पुलिस आपस में भिड़ गई है। चलिए, और जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि पन्ना पुलिस और सतना पुलिस आपस में भिड़ी है, कहासुनी काफी हुई है। वहां के जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, आम पब्लिक है, उन्होंने वीडियो बनाया है कि आरोपियों को ले जाने के लिए किस तरीके से कहासुनी आपस में हो रही है इन पुलिस अधिकारियों की। आपको बता दें कि पन्ना पुलिस ने इन आरोपियों को सतना से गिरफ्तार किया और अब क्रेडिट लेने की होड़ मची है कि आखिरकार कौन लेकर इन आरोपियों को जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो पब्लिक है वहां की, जो आम नागरिक है उन्होंने ये वीडियो बनाया है और आरोपियों को ले जाने के लिए कैसे आपस में अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भिड़े। आपको बता दें कि चेन स्नेचर्स में से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 1 आरोपी फिलहाल फरार है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, नया गांव के चित्रकूट से ये पकड़े गए हैं आरोपी। पन्ना और सतना की पुलिस आपस में भिड़ गई है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे संवाददाता चित्रकूट से अतुल मिश्रा जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहां अपराधियों को पकड़ना और जो बदमाश है उन्हें पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन यहां पर दोनों ही पुलिस के जो अधिकारी है वो आपस में भिड़ गए हैं क्रेडिट लेने के लिए कि हमारे साथ आरोपियों को कौन लेकर जाएगा। जी, निश्चित तौर पर आपसे बता दूं राखी कि ये जो घटना है, निश्चित तौर पर विगत कई दिनों से पन्ना और सतना दोनों ही पुलिस जिलों में इन चेन स्नेचर्स ने आतंक मचा रखा था। लगभग आधा दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद ये बेधड़क घूम रहे थे। सोशल मीडिया पर जब इनको ट्रेस किया जाता है, उसके बाद इनकी फोटो वायरल की जाती है। वाहन और उसके साथ पन्ना और सतना पुलिस दोनों ही लगातार इनको पकड़ने के लिए घेराबंदी कर चुकी थी, सर्चिंग अभियान चलाई थी, लेकिन आज इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना आ रही है, हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई नहीं की है। 3 लोगों की सूचना है, एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पन्ना और सतना दोनों ही पुलिस लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये जब गिरफ्तारी हुई, बताया जा रहा है कि चित्रकूट के किसी एक धर्मशाला में रुके हुए पन्ना पुलिस पहले पहुंची थी, उसके बाद सतना पुलिस पहुंची। पन्ना पुलिस की जो MP35 गाड़ी आप देख रहे हैं इन जो वीडियो वाले में, उनमें जो आईटी का गाड़ी है MP35, उस पर वो आरोपी बैठे होते हैं, उससे निकाल करके सतना पुलिस द्वारा किस तरह से खींचा जा रहा है और अपनी गाड़ी जो बुलेरो खड़ी हुई है उस पर ले जाया जा रहा है। किस तरह से आवाजें आ रही है, दोनों पुलिसकर्मी से झीना झपटी लगी है, एक पुलिसकर्मी पकड़ के इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है, और उसके बाद उनको लेकर के गाड़ी में रखा जाता है। किस तरह से गाड़ी में लटक कर, जैसे कि चोरों और लुटेरे हो, उस तरह से उनको खींच के इस तरह की आवाजें, पुलिसकर्मी एक दूसरे को क्या गोली मार देंगे आप हमको, जिस तरह से ये पूरा घटना का जिस तरह के वीडियो, निश्चित तौर से सतना पुलिस के लिए बेहद ही शर्मनाक है। आपने अच्छा किया, निश्चित तौर पर दोनों जिलों की पुलिस ने अच्छा किया, दोनों बधाई पात्र, लेकिन जिस तरह से
श्रेय लेने के लिए आप लोगों ने एक समाज के सामने जिस तरह से चित्रकूट में वहां पर एक लोग ने सैकड़ों लोग थे, हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों ने पुलिस जो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी उनको हटाने के लिए भी पुलिसकर्मियों ने काफी प्रयास किया, हटाया उनको, लेकिन जिस तरह से ये सब तस्वीरें आई और जो ये पूरा मामला निकल गया उसने कहीं ना कहीं पुलिस का श्रेय लेने का तरीका उसको सवाल खड़े करता है और निश्चित तौर पर इसे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस की छवि जरूर खराब हो रही है। बिल्कुल। अच्छा अतुल, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, किसी दूसरे बड़े अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है कि ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं? फिलहाल जिम्मेदारी सबसे बड़ी अभी क्या है, इन आरोपियों को गिरफ्तार करना, इन्हें सजा दिलवाना, क्रेडिट तो ठीक है जो भी करेगा उसे बाद में मिल जाएगा, किसी बड़े अधिकारी से कोई बात हुई, उनका कोई प्रतिक्रिया आई है? जी आपसे बता दूं निश्चित तौर पर कि चूंकि आज चित्रकूट में असहमति अमावस्य, लगभग 7-8 लाख श्रद्धालु यहाँ पर थे, जिसको लेकर ये जो चयन स्नेचर्स हैं ये भी दोनों जिलों से निकलकर किसी तरह से एमपी से यूपी घुसने की फिराक में थे, चित्रकूट आ चुके थे, चित्रकूट एक धर्मशाला में रुके हुए थे, हालांकि अभी तक ये पुलिस ने नहीं बताया कि कहां रुके हुए थे, लेकिन जो सूचना मिले धर्मशाला रुके हुए थे, पन्ना पुलिस पहुंची थी, उसके बाद उनको यूपी क्षेत्र से 100 मीटर पहले ही धर दबोचा गया, वाहन को बरामद कर लिया गया है, पहुंच गया है सतना पुलिस, सतना एसपी भी पहुंच चुके हैं नया गांव थाना, और एमपी से भी कई पुलिस अधिकारी पहुंच गए, लगभग 50 से अधिक पुलिसकर्मी, जो कि पुलिस को शायद ये चीज की जानकारी हो गई थी कि शायद आज ये चित्रकूट से ही निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका जो पुलिस का जो सूचना तंत्र था उसके तहत यहां पर लगभग आधा सैकड़ा पुलिसकर्मी, क्योंकि एक तो पूरे चित्रकूट को ही छावनी में तब्दील कर दिया जाता है भीड़ को लेकर के, लेकिन आधा सैकड़ा पुलिसकर्मी यहां पर सादी वर्दी में घूम रहे थे इनके मूवमेंट लेने के लिए, और जैसे ही लगभग वही 4:30 से 5 के बीच पुलिस ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, और उसके बाद सतना पुलिस हालांकि पहुंच चुके, पन्ना के भी जो आला अधिकारी है पुलिस के वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं ऐसी सूचना है, लेकिन अभी तक सतना एसपी चित्रकूट के नया गांव थाने में मौजूद है और अभी उन लोगों से पूछताछ चल रही है, एक आरोपी है उसकी तलाश चल रही है, तो निश्चित तौर पर सतना और पन्ना पुलिस का ये दोनों ही लगी हुई है, दोनों ही टीमों लगातार इनको गिरफ्तार करने में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से श्रेय लेने वाला मामला है और ये जो वीडियो है तो कहीं ना कहीं इनकी इस सफलता में कहीं ना कहीं चार सवाल जरूर खड़े कर दिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अतुल पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें पन्ना और सतना की पुलिस आपस में भिड़ गई है और लगातार जो बड़े दिग्गज हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले के लिए पहुंच रहे हैं और जांच पड़ताल की जाएगी, बातचीत की जाएगी, लेकिन बहुत अजीब सा एक वाकया आया है कि क्रेडिट लेने के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में पुलिस के अधिकारी लड़ रहे हैं। देखिए क्रेडिट तो बाद में मिल जाएगा आप जो भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें सजा तक पहुंचाया जाए, बाद में ये तमाम चीजें हों, लेकिन ये इस तरह की चीजें जो देखने को मिली निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। अभी फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।